हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिस्टिक्स का पढ़ने जा रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स का एनालिसिस टूल जो है उसका सबसे बेसिक टॉपिक जो है वो यही है। मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कॉपाई, जिसमें हम बोलते हैं कि कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। उसमें ये जो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन वाला जो पार्ट है उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेशन के भी हमारे पास है, कलेक्शन के लिए अलग अलग मेथड्स थी, और जो मैथमेटिकल टूल्स हम यूज करेंगे, ठीक है, जिनका यूज करके हम एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं, वो सभी टूल्स में सबसे सबसे फंडामेंटल टूल जो है, फंडामेंटल बेसिक, वो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और वो बेसिक या फंडामेंटल टूल का जो नाम है उसको बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये नाम इतना ज्यादा है, इतना बड़ा है, थोड़ा कंफ्यूजन है, इसका मतलब क्या है, उस सब में अभी नहीं जाएंगे। पहले मैं पूरा डिस्कस करूंगा, फिर वो नाम के साथ मैच करूंगा कि क्यों इसको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये टेक्निकलिटी में जाने से पहले एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा देखो, मैं आपको बोलूं कि आपके पास किसी बैट्समैन से, फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर लेके चलते हैं, सचिन तेंदुलकर के अपनी करियर में फर्स्ट इनिंग से लेके लास्ट इनिंग तक जितनी भी इनिंग उसने खेली हुई है वो सभी, मतलब टेस्ट मैच इनिंग की मैं बात कर रहा हूं, तो सभी इनिंग के स्कोर आपको यहां अवेलेबल है। मान के चलो पूरे सभी इनिंग के स्कोर आपके सामने 500 से ज्यादा इनिंग होगी, एग्जैक्ट फिगर मैं अभी नहीं बोल सकता, लेकिन मान के चलो कि 500 या उससे ज्यादा फिगर्स है, वो सभी फिगर्स आपके सामने यहां पर रख देते हैं, और वो सभी 500 फिगर को आपको देख के बोलना है। और मैं नाम भी नहीं बता रहा हूं कि ये सचिन तेंदुलकर है, सभी नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ ये 500 इनिंग के स्कोर, मतलब फर्स्ट इनिंग में सपोज उसने 10 रन किए, फिर 20 किए, फिर 100 के, जो भी है, ठीक है, हर इनिंग के स्कोर का फिगर्स यहां पर सपोज हमने रख दी, और आपको पूछा जाए कि ये बैट्समैन के लिए इन जनरल आप क्या बोल सकते हो, वेदर इज अ गुड परफॉर्मर और नॉट, तो 500 फिगर को देख के आप 500 फिगर से आप जज नहीं कर पाओगे। एक्चुअल फिगर है, फिर भी कई सारे फिगर्स हैं, क्यों? बिकॉज ह्यूमन माइंड हैज गॉट सम इनहेरेंट इनएबिलिटी, हमारी एक इनएबिलिटी है, इनहेरेंट है, दैट वी कैन नॉट ग्रास्प टू मैनी थिंग्स एट अ टाइम। वन बाय वन देखो तो बराबर है, लेकिन एक साथ इतनी सारे फिगर्स, इतनी सारी चीजें हमारे दिमाग में नहीं जाएगी, हम उसको ग्रास्प नहीं कर पाएंगे, और 500 फिगर से ऊपर से हम जज नहीं कर पाएंगे कि ये बैट्समैन कैसा है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, नहीं जज कर पाएंगे। लेकिन ये 500 फिगर्स या 500 से ज्यादा भी है, वो सभी फिगर्स के बजाय मैं सिर्फ एक फिगर आपको बोलूं कि एवरेज स्कोरिंग रेट इज 57.75 पर इनिंग, ये मैंने लिखा है एवरेज। तो ये फिगर से आप बोल पाओगे, ओहो 57.75 मींस मोर और लेस ऑलमोस्ट 58 रन पर इनिंग कर रहा है, तो ये बैट्समैन बहुत अच्छा है। तो
ये जो 57.75 ये जो एवरेज फिगर है उसने वो काम किया जो 500 फिगर्स ने नहीं किया था। ये एक फिगर ऐसा है जो एक्चुअली ये सभी 500 फिगर का सेंट्रल आइडिया है, इसका सेंट्रल पॉइंट यही है, ठीक है, कि एवरेजली 57.75 रन करता है। तो 500 फिगर से आप नहीं जज कर सकते थे, लेकिन एक फिगर से आपने जज कर लिया और आप इजीली जज कर पाए, आप इजीली ग्रास्प कर पाए ये इंफॉर्मेशन कि 500 फिगर से आप जो नहीं रीड कर सकते थे, जो नहीं समझ सकते थे, वो सब एक फिगर ने समझा दिया कि ये 57.75 मतलब ही इज रियली फैंटास्टिक बैट्समैन। हर इनिंग में हाफ सेंचुरी से ज्यादा एवरेज, नहीं कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज हर इनिंग में ऑलमोस्ट 58 रन के आसपास जो कोई बंदा स्कोर कर रहा है, यू कैन से इट्स अ ट्रिमेंडस फिगर, ठीक है, और बहुत अच्छा बैट्समैन माना जाएगा। तो ये एक फिगर ने वो काम कर लिया, क्यों? क्योंकि ये फिगर वो सभी 500 फिगर का रिप्रेजेंटेटिव फिगर है, रिप्रेजेंटेटिव, वो सभी फिगर का आपको एक कॉमन सेंट्रल आइडिया क्या है वो बता रहा है, सेंट्रल आइडिया। तो सिर्फ इतना नहीं, कई बार ऐसा होता है कि आपको कई बुक, इतनी ज्यादा इतनी बड़ी बुक है मान के चलो, ठीक है, और इतनी बड़ी जो बुक है सब मान के लेते हैं कि रामायण, रामायण बहुत बड़ा इतना बड़ा ग्रंथ है, और आपको बोला जाए कि इसको प्रॉपरली पढ़ो, ठीक है, और उसको प्रॉपरली पढ़ने के बाद एक वीक के बाद मैं आपको इसमें से कुछ सवाल जवाब करूंगा, हम दोनों मिलके डिस्कस करेंगे आफ्टर वन वीक। सभी को वो इतना बड़ा, ठीक है, पूरा ग्रंथ दे दिया। अब होता क्या है कि आप लोगों को पढ़ने को बोला है लेकिन इतना ज्यादा कौन पढ़ेगा, आप लोगों ने एक वीक में से पहले 5 दिन तो ऐसे ही चले गए, अभी एक वीक है ना, बाद में पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे, ऐसे करते हुए आपने पूरा 5 दिन तो निकाल दिए। फिर 6ठे दिन आपको बोला कि अभी तो सर कुछ पूछने वाले हैं, चलो अभी पढ़ना पड़ेगा, फिर देखा तो इतना बड़ा है कि तो पढ़ नहीं सकते। फिर आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स को पूछा कि यार तूने कुछ पढ़ लिया है तो मुझे ओवरऑल बता देना कि ऊपर ऊपर से इसका ये जो पूरा ग्रंथ है उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, सेंट्रल आइडिया। पूरी मैं बुक पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है, अभी 2 दिन है, इतना ज्यादा मैं कहां पढ़ने जाऊंगा, मैं मतलब पूरा तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन आप एक काम करो, मुझे इसका कोई कॉमन सेंट्रल आइडिया हो वो बता दो कि अल्टीमेटली ये बुक में है क्या। पूरी बुक नहीं पढ़ सकते लेकिन वो बुक को मैं समराइज करके ये 500 या 700 या 1000 पेजेस को सिर्फ 4 या 5 पेज में मैं प्रेजेंट कर दूं, समरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, थीके? जो बाहर भी मिलता है, कई सारी ऐसी बुक मिलती है रामायण के, जब वो संक्षिप्त रामायण ऐसा भी मिलता है, तो वही पढ़ लो, वो फोटोग्राफ वाला छोटे बच्चों का। अल्टीमेटली सेंट्रल आइडिया जो है, जो लाइन टू लाइन हम पढ़ेंगे नहीं फिर भी जज कर पाएंगे कि ये स्टोरी क्या है। पूरा मूवी देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका थोड़ा बहुत रिव्यू भी पढ़ ले, मतलब रिव्यू हार्डली एक पैराग्राफ होता है, पूरी मूवी देखने की जरूरत नहीं है, रिव्यू से भी हमको पता चल जाएगा कि सेंट्रल आइडिया क्या है। तो ये जो कई सारा मास ऑफ डेटा होता है या मास ऑफ इंफॉर्मेशन होती है उसको ग्रास्प करने के लिए हम उसको समराइज करके छोटी करके प्रेजेंट करते हैं और ज्यादातर उसका रिव्यू ले लेते हैं, इसका फाइनल रिपोर्ट ले लेते हैं, डिटेल कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अभी समझो कि गुजरात में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, एमपी में क्या हुआ, ऐसे 27 स्टेट या 28 स्टेट और सभी यूनियन टेरिटरीज में क्या हुआ आज के दिन में, तो कई सारी इवेंट होती है, लेकिन कुछ हाईलाइट करके, सभी इवेंट के हाईलाइट करके हर स्टेट का दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसी का रिपोर्ट मोदी जी को करेंगे लोग, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल हर स्टेट का बोलने जाए तो मोदी का एक ही स्टेट में पूरा दिन चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, लेकिन सेंट्रल आइडिया आ जाता है कि भाई ये सिचुएशन है, यहाँ ये सिचुएशन है, और इंटरनेशनल लेवल पे हर कंट्री का ये सिचुएशन, तो डेली बेस पे उनको स्टडी करने वाले जो होते हैं उनके सहायक, ठीक है, वो लास्ट में पर डे ऐसा सिर्फ रिपोर्ट कर देंगे समराइज, समझ में आ जाएगा कि अल्टीमेटली क्या सीनारियो है, क्या चल रहा है। तो बस यही काम करना है आपको कि ह्यूमन माइंड की जो इनहेरेंट इनएबिलिटी है उस की वजह से हमने एक नया टेक्निक बना दिया,
लार्ज मास ऑफ डेटा को हम एक छोटी वैल्यू में समराइज करके प्रेजेंट करेंगे, और वो एक वैल्यू और वो एक सिंगल वैल्यू जो है उसी को हम बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्योंकि वो एक वैल्यू पूरे फिगर्स, पूरे 500 फिगर्स, सभी मास ऑफ डेटा का सेंट्रल आइडिया रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, उसकी वजह से हम उसको बोलेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो व्हाट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अब मैं आपको बता दूं, अब मैं इसका डेफिनेशन फॉर्म कर सकता हूं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब करेंगे सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग एंटायर मास ऑफ डेटा। ये एक ऐसी सिंगल वैल्यू है जो पूरे 500 फिगर्स, पूरे मास को एक ही फिगर में, एक ही नंबर में, एक ही वैल्यू में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सच सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग एंटायर मास ऑफ डेटा इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब यहां से थोड़ा डिस्कशन टेक्निकल बनने जा रहा है, देखिए कैसे। तो पहले तो सभी को देखते हैं कि ये मेजर्स, ये प्लूरल क्यों है? आपने तो एक वैल्यू बोला था तो वो तो सिंगल वैल्यू है, तो इट शुड बी अ मेजर ऑफ सेंट्रल, एक ऐसा मेजर, मेजरमेंट का एक ऐसा मेजर, ऐसा टूल एक बोलना चाहिए। आपने ये प्लूरल क्यों रखा, पहले ये पॉइंट आएगा। सेंट्रल वर्ड क्यों यूज किया वो तो समझ में आ गया, बिकॉज इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंट्रल आइडिया, ठीक है, तो इसकी वजह से मैंने सेंट्रल। दूसरा भी एक रीजन है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। और टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी मतलब नेचर, ठीक है, तो ये नेचर जो है सेंट्रल का ही नेचर बनता है, उसकी वजह से उसको टेंडेंसी बोला है। तो ये सब चीजें भी डिस्कस करनी पड़ेगी, पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसको प्लूरल क्यों बोला है। एक सिंगल वैल्यू है तो प्लूरल क्यों बोला, मैं ऐसे बोला कि सिंगल वैल्यू ही है वो प्लूरल ही हो, सिंगुलर ही होना चाहिए, लेकिन ऐसी एक सिंगल वैल्यू नहीं है, अप्रोच अलग अलग है। मतलब एवरेज या सेंट्रल वैल्यू निकालने के तीन अप्रोच है, और ये तीनों अप्रोच जो है उसके हिसाब से आप, कोई एक अप्रोच से कोई एक वैल्यू आ सकती है, दूसरे अप्रोच से जाओ तो ऐसे तीन अप्रोच है, तो हमारे पास ऐसे तीन मेजर्स होने वाले हैं। कौन से है वो भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन ये प्लूरल क्यों है वो। अच्छा, मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग जो हुआ वो एक बार लिख लेते हैं। अभी हमने बोला था क्या भाई, तो बोल सकते हैं कि सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग एंटायर, मैं लिख रहा हूं मीनिंग, मास ऑफ डेटा इज नोन एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो एक तो ये काम हो गया। दूसरा एक पॉइंट, सिर्फ यही एक डेफिनेशन नहीं है, एक दूसरी भी डेफिनेशन है, ज्यादातर स्टूडेंट यही लिखते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो बोलेंगे सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग एंटायर मास ऑफ डेटा इज नोन एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यही लिखते हैं। दूसरी भी एक डेफिनेशन है, वो क्या है, सपोज आपने बोला कि 57.75 एवरेज वैल्यू है, लेकिन कई सारी वैल्यू में से ये एवरेज हमने निकाला, कैसे निकाला क्या है वो अलग बात है, लेकिन ये रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है किसकी, वो सभी 500 फिगर का रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है। तो ऐसा बोलते हैं कि सिंगल वैल्यू अराउंड विच ऑल अदर वैल्यूज
टेंड टू कॉन्ग्रोगेट, वैसे सभी वैल्यूज को रिप्रेजेंटेटिव बनना है और वो सभी किसी एक वैल्यू पर कॉन्ग्रोगेट माने के कॉन्सेंट्रेट कर रही है, और ऐसी कॉन्सेंट्रेट होने के बाद एक वैल्यू इमर्ज होके आती है, वो इमर्ज वैल्यू जो है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। तो एक ऐसी वैल्यू है जो वैल्यू पर सभी वैल्यूज कॉन्सेंट्रेट कर रही है, कॉन्ग्रोगेट कर रही है, और इमर्ज होके एक वैल्यू आ रही है, वो इमर्ज वैल्यू भी सेंट्रल टेंडेंसी है। तो मैं दूसरी तरीके से डेफिनेशन लिखूं तो मैं ऐसा लिखूंगा कि सिंगल वैल्यू अराउंड विच ऑल अदर वैल्यूज टेंड टू कॉन्ग्रोगेट और कॉन्सेंट्रेट इज नोन एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो फिर से लिख रहा हूं, सिंगल वैल्यू अराउंड विच ऑल अदर वैल्यूज टेंड टू कॉन्ग्रेगेट, अच्छा कोई सिंपल वर्ड यूज करना चाहे तो कॉन्सेंट्रेट भी लिख सकता है, ठीक है। टेंड होना मतलब उस तरफ जाना, टेंडिंग टूवर्ड्स, ठीक है। तो टेंडिंग टूवर्ड्स व्हाट, कॉन्सेंट्रेट, टेंडिंग टू कॉन्सेंट्रेट और कॉन्ग्रोगेट, सिंगल वैल्यू अराउंड विच ऑल अदर वैल्यूज टेंड टू कॉन्ग्रोगेट इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो हमने दो डेफिनेशन समझी, एक डेफिनेशन सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग एंटायर मास ऑफ डेटा, दूसरी डेफिनेशन हमने समझी सिंगल वैल्यू अराउंड विच ऑल अदर वैल्यूज टेंड टू कॉन्ग्रोगेट और यू कैन से कॉन्सेंट्रेट, वो भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। और ये ऐसी वैल्यू है जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है पूरे मास की, रिप्रेजेंट कर रही है, तो इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू मास में जो वैल्यू है, डेटा सेट में जो वैल्यू है, उन्हीं में से कोई एक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो ये मान के चलो कि इट इज नॉट नेसेसरी, इसका मैं डिस्कशन भी करने वाला हूं लेकिन पहले मैं लिख दूं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट सच रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, सच रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू मतलब जिसको आपने सेंट्रल टेंडेंसी का वैल्यू माना है वो मेजर वैल्यू, सच रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, इट इज नॉट नेसेसरी दैट सच रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू मस्ट बी आउट ऑफ द डेटा सेट, इट मे और मे नॉट बी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी एक हमने सेंट्रल टेंडेंसी का वैल्यू निकाला था 57.75, तो ये पूरे 500 या उससे ज्यादा फिगर का रिप्रेजेंटेशन कर रहा था ये एक फिगर, और इसको मैं बोलता हूं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये वैल्यू, ये रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, क्या डेटा सेट में कोई भी ऐसी वैल्यू होगी जो ये होगी, मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव है लेकिन जरूरी नहीं कि डेटा सेट में से ही हो। हाँ, कभी सचिन तेंदुलकर ने 57 रन स्कोर किए होंगे, कभी 58, लेकिन कभी 57.75 ऐसा कभी स्कोर नहीं किया होगा, 57.75 ऐसा रन कभी होता ही नहीं है, या तो 57 होगा या 58 होगा, फिर भी 57.75 इज अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। तो मैंने इसी वे के इट इज नॉट नेसेसरी दैट सच रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू मस्ट बी आउट ऑफ द डेटा सेट, उसकी 500 फिगर का जो डेटा सेट है इनिंग के स्कोर का, उसमें एक भी फिगर 57.75 नहीं होगा, फिर भी 57.75 इज अ रिप्रेजेंटेटिव फिगर वो 500 की। तो डेटा सेट में से भी हो सकती है, आउट ऑफ द डेटा सेट भी हो सकती है। आपका रिप्रेजेंटेटिव समझ के चलो, आपका रिप्रेजेंटेटिव, सभी स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेटिव, जरूरी है कि स्टूडेंट में से ही हो, जरूरी नहीं है।
आपका रिप्रेजेंटेटिव आप में से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मान के चलो कि मैं कई सारे स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव बन के प्रिंसिपल के साथ मिलने जाऊं कि सर हमारी प्रॉब्लम्स आप रिप्रेजेंटेटिव बन के जाइए, आई एम नॉट आउट ऑफ यू बट स्टिल आई मे बी योर रिप्रेजेंटेटिव, तो मैं डेटा सेट का पार्ट नहीं हूं फिर भी मैं डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, यूनियन वर्कर का जो यूनियन है, ठीक है, अभी सभी वर्कर को बोला जाए कि भाई हमको कुछ सैलरीज बढ़ानी है या वर्क कॉम्पनसेशन बढ़ाना है, तो उसके लिए सभी वर्कर इंडिविजुअली मैनेजमेंट को नहीं मिलने जाएंगे। ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करने वाला एक आदमी मैनेजमेंट से मिलने जाएगा जिसको बोलते हैं यूनियन लीडर। तो यूनियन लीडर इज अ रिप्रेजेंटेटिव, सभी के साथ बात नहीं हो सकती लेकिन वो सेंट्रल टेंडेंसी मान के चलो, वो एक सेंट्रल फिगर है, वो एक सेंट्रल आइडिया है, वो जो रिप्रेजेंट करेगा वो सभी यूनियन का, पूरे यूनियन का, सभी वर्कर का वॉइस है। तो वो लीडर जो है वो वर्कर्स में से ही है। ठीक है, तो डेटा सेट का ही एक पॉइंट है जो रिप्रेजेंटेटिव बना। ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि डेटा सेट में से ही रिप्रेजेंटेटिव हुआ। आप ही के स्टूडेंट में से ही कोई आके मुझे बताए तो वो मॉनिटर सपोज हम मान के चले, तो वो आप में से ही कोई आया है तो वो डेटा सेट का ही कोई आदमी है, मतलब उन्हीं में से एक रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन जब डेटा सेट में से ना हो ऐसा भी कोई रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। हाँ, जैसे मैंने यूनियन ऑफ वर्कर की बात की तो यूनियन लीडर जो है वो वर्कर्स में से ही कोई एक है तो डेटा सेट में से आया रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा हुआ कि मैनेजमेंट ने मांगे जो थी वर्कर्स की वो नहीं सुनी, और जब मांगे नहीं सुनी, ठीक है, तो वर्कर्स ने लेबर कोर्ट में केस किया। अब जब लेबर कोर्ट में केस फाइल हुआ है तो कोर्ट में यूनियन को रिप्रेजेंट करने वाला यूनियन लीडर नहीं होगा लेकिन उनका लॉयर होगा। ठीक है, तो लॉयर इज नॉट द पार्ट ऑफ द यूनियन, या वो वर्कर में से कोई नहीं है लेकिन वो उनको रिप्रेजेंट कर सकता है, मतलब डेटा सेट के बाहर से भी कोई रिप्रेजेंटेशन आ सकता है। जैसे नंबर्स में ये फिगर बोला, ठीक है, मैंने कई सारे रियल लाइफ एग्जांपल इसी वजह से दिए, तो ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट सच रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, मैं तो अभी नंबर्स के साथ काम कर रहा हूं, मस्ट बी आउट ऑफ द डेटा सेट, डेटा सेट में से ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और इसको सेंट्रल टेंडेंसी क्यों बोलते हैं, तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है ऐसी कई सारी अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग हो सकती है, वो सभी वैल्यू की एक कॉमन टेंडेंसी है, कॉमन नेचर है। क्या नेचर है, मैं लिख रहा हूं, सच रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हैज गॉट टेंडेंसी, मतलब नेचर, टू रिमेन समवेयर इन सेंट्रल पार्ट ऑफ द डेटा सेट या डिस्ट्रीब्यूशन। सच रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हैज गॉट टेंडेंसी टू रिमेन समवेयर इन सेंट्रल पार्ट ऑफ द डेटा सेट, और थोड़ा मैं इधर ले जाता हूं, हैंस इट इज नोन एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वर्ड सेंट्रल टेंडेंसी यूज करने का ये एक लॉजिक है कि ये रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू पूरे डेटा सेट का या डिस्ट्रीब्यूशन का सेंट्रल पार्ट में होने की टेंडेंसी रखता है, ऐसा नेचर रखता है, ऐसी वृत्ति होती है उनकी कि यही रहे, तो वो मिडल पार्ट में से ही इमर्ज होके आता है, समवेयर लाइंग इन द मिडल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन दे हैव गॉट टेंडेंसी टू रिमेन इन सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्यों, क्योंकि उनकी टेंडेंसी सेंट्रल में रहने की है,
दैट मीन्स ये रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू की टेंडेंसी सेंट्रल में रहनी है, वो पूरे मास ऑफ डेटा का सेंट्रल आइडिया रिप्रेजेंट कर रही है और उसकी वजह से हम उसको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। तो ये चैप्टर का नाम जो है वो मैंने क्लियर कर दिया कि क्यों, और वो ऐसे एक वैल्यू है तो उसको मेजर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसी एक सिंगल वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा अप्रोचेस अवेलेबल है। और जो ज़्यादा अप्रोचेस है, मैं बोल दूँ कि ऐसे तीन अप्रोच से हम ये एवरेज वैल्यू या सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू निकालते हैं, उसकी वजह से इसको हम मेजर एक नहीं है, ऐसे तीन ऑप्शन है तो हम उसको बोलते हैं तीन अप्रोचेस है, उसकी वजह से उसको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर का नाम है। मतलब हम एक नहीं तीनों अप्रोच पढ़ने वाले हैं। तो ये पूरा डिस्कशन आज हुआ, आज जो हमने पढ़ा ये वीडियो लेक्चर में, उसको मैं थोड़ा समअप कर दूं क्या है। तो आप मैं इसको इससे साथ साथ एक दो और चीज़ें भी समरी में मैं लेने वाला हूँ। क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कॉपाई में से कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा में अब हम एनालिसिस इंटरप्रिटेशन वाले स्टेज में आ गए हैं, और एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के लिए कई सारे टूल्स, स्टेटिस्टिकल टूल्स अवेलेबल है, और इनमें सबसे फंडामेंटल और बेसिक टूल जो है वो आज हम शुरू करेंगे, जिसका यूज़ हम हर जगह पे करने वाले हैं आगे भी पढ़ते वक्त, ये तो बेसिक है आएगा, और वो टूल है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारा एक एनालिसिस इंटरप्रिटेशन का टूल्स है, पहले ये हमने डिस्कस किया। अब पॉइंट ये कि ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, कैसे है, तो उसको बोलते हैं सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग एंटायर मास ऑफ डेटा इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सिंगल वैल्यू अराउंड विच ऑल अदर वैल्यूज टेंड टू कॉन्ग्रोगेट इज ऑल्सो नोन एज मेजर ऑफ सेंट्रल। दो डेफिनेशन हो गई। इसको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्यों बोलते हैं वो तो हमने बोल दिया, क्योंकि वो सेंट्रल आइडिया रिप्रेजेंट करती है, एंड दिस वैल्यू हैज गॉट टेंडेंसी टू रिमेन समवेयर इन सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट सच रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू मस्ट बी आउट ऑफ द डेटा सेट। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मे और मे नॉट बी फ्रॉम द डेटा सेट। ठीक है, अब ये पूरे मास ऑफ डेटा को हम छोटी वैल्यू में, एक वैल्यू में रिप्रेजेंट, मतलब हम मास ऑफ डेटा को समराइज करते हैं। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को जो समराइज करते हैं वो वैल्यू को बोलते हैं एवरेज वैल्यू। तो एवरेज मेजर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ समराइज कर रहे हैं तो कई सारे रेफरेंस बुक में उसको समरी मेजर्स भी बोलते हैं। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के दो और नाम भी आपको याद रखने हैं, एवरेज मेजर्स भी बोल सकते हैं या समरी मेजर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्कशन अब यहाँ पर हम खत्म करते हैं। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड एंटायर लेक्चर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।